हेलो क्लास 10th, वी आर डूइंग नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। दिस फिगर इज गिवन टू अस। ये एक रीजन है, बीच वाला जो सबसे सेंटर में जो आपको सर्कल दिख रहा है, दैट इज़ अ गोल्ड रीजन। ये रेड कलर का, ये ब्लू, ये ब्लैक, ये वाइट, हमने हर कलर के एरियाज निकालने हैं कितने कितने। तो गोल्ड के केस में तो एक कम्प्लीट एक सर्कल है, वेरी सिंपल, पाई आर स्क्वेयर सर्कल का फॉर्मूला होता है। गोल्ड के केस में लिया एरिया ऑफ गोल्ड रीजन पाई आर वन का स्क्वेयर, मैंने पहले वाले की रेडियस को आर वन बोला। आर वन आपको गिवन है 21 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, आर वन बाय टू। फॉर्मूला लगा के यू विल गेट द आंसर। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ओके, आर वन की रेडियस है 21/2। आर टू देखो, ये 21/2 है, तो ये भी कितना है, हर बार 21/2 ऐड हो रहा है। 21/2 प्लस 21/2 आंसर इज 42/2, दैट इज 21। या फिर 21/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड रीजन में फिर से एक 21/2 ऐड हो गया यहाँ पर, तो 21/2 21/2 21/2 थ्री टाइम्स आ गया, दिस इज 63/2। नाउ इज द आर फोर ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन का 21/2 इंटू 4 टाइम्स हो गया, 42 आ गया। और फिफ्थ रीजन है वाइट रीजन। वाइट रीजन का आर फाइव कितना आएगा, 21/2 इंटू 5, 105/2। तो मैंने अलग अलग सब रीजन्स की रेडियस पहले से ही निकाल ली है। अब मुझे चाहिए रेड रीजन का एरिया। रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, बीच में गोल्ड का माइनस करना पड़ेगा, यानी इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से ये छोटा सर्कल माइनस कर दो। ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन पाई आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। आर टू आपको गिवन है 21 है, वहाँ पर देखिए आपने 21 अभी कैलकुलेट किया है, और उसके बाद 21/2 का स्क्वायर सॉल्व किया इसको, यू विल गेट द आंसर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वॉज द एरिया ऑफ रेड रीजन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ब्लू रीजन। इट इज़ अ टर्न ऑफ ब्लू रीजन। इस बड़े सर्कल का एरिया निकाल के ब्लू रीजन में उसमें से अंदर वाला रेड तक का माइनस कर देंगे, यानी गोल्ड प्लस रेड का ब्लू में से माइनस करेंगे। तो ब्लू रीजन का क्या होगा, पाई आर थ्री का स्क्वायर माइनस दोनों जो पिछले एरियाज आए थे 346.5 एंड इसका था 1039.5, दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको सॉल्व किया, ये तो ये आ रहा है 6237/2, और इन दोनों को ऐड किया तो 1386, जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ रहा है 1732.5। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ द ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन के लिए इस बड़े सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से गोल्ड, रेड, ब्लू तीनों का एरिया ऐड करके माइनस होगा। तो ब्लैक रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर फोर का स्क्वायर। आर फोर कितना आपका, 42, तो पाई 42 इंटू 42 माइनस पिछले तीन रीजन्स का एरिया 346.5, 1039.5 एंड 1732.5, तीनों को ऐड किया तो 3118.5 आ रहा है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट 2425.5। नाउ लास्ट रीजन इज़ अ वाइट रीजन। वाइट रीजन में सबसे बाहर वाले आउटर सर्कल का एरिया निकाल के अंदर वाले चारों रीजन जो इसे पहले निकाले उनका एरिया ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। वाइट रीजन का हो गया पाई आर फाइव का स्क्वायर। आर फाइव अभी आपने निकाला था 105/2, तो यहाँ लिखा पाई 105/2 105/2 माइनस चारों का ऐड किया तो 5544 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट द आंसर 3118.5। ओके, दिस वॉज द कम्प्लीट क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द फाइव रीजन्स। होप इट्स फाइन टू यू।